बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के इस्म मुबारक अल-कहार के वज़ाइफ़ पढ़ने के बेशुमार और हैरान कुन फ़वाइद। या कहार, अपनी मखलूक पर कामल गलबा और इख्तियार रखने वाला, वो जो बरतरी रखता है हर काम करने की जो वो चाहता है, वो शख्स जो इस इस्म मुबारक का विर्द करता है उसको अपनी जुमला ख्वाहिशों पर काबू हासिल हो जाता है और हवस जाहो जलाल से आज़ाद होकर रूहानी सुकून हासिल करता है और इसका विर्द इंसान को गलत कार्यों से भी बाज रखता है। इस इस्म के बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से चंद ये हैं। इस्मुल कहार के ख्वास। नंबर एक, जिस शख्स की कोई हाजत हो वह अपने घर या मस्जिद में सर नंगा करके हाथ उठाकर 100 बार या कहारू कहे, इंशाल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी। नंबर दो, जो इशराक की नमाज के बाद सजदा करके 7 बार इस इस्म को पढ़ेगा अल्लाह पाक उसे गनी फरमा देगा। नंबर तीन, जिस शख्स को दुश्मनों से ख़तरा हो वो सूरज निकलते वक़्त और रात के आखिरी हिस्सा में दुश्मनों की हलाकत के लिए 100 बार पढ़े। नंबर चार, कसरत से इसका जिक्र करने से दुनिया की मोहब्बत और माँ सिवा इल्लाह की अजमत दिल से जाती है और दुश्मनों पर गलबा होगा। नंबर पाँच, चीनी के बर्तन पर लिखकर ऐसे शख्स को पिलाया जाए जो बवजह सहर औरत पर कादर ना हो तो उसका सहर दफा हो जाएगा। नंबर छः, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्म को पढ़े, इंशाल्लाह दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर सात, जो कोई किसी जालिम से डरता है वो इस इस्म मुबारक को फ़र्ज नमाज के बाद 306 मरतबा पढ़ा करे, अल्लाह उसे अपने अमन व अमान में रखेगा। नंबर आठ, जो किसी मुश्किल के वास्ते इस इस्म मुबारक को 100 बार पढ़ेगा मुश्किल हल हो जाएगी। नंबर नौ, दुश्मन को मगलूब करने के लिए फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान 100 बार पढ़े, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।